हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस और दिस इज़ पूजा। आई एम अ साइंस टीचर और मैं आज आप लोगों को सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी। वैसे मैंने लास्ट वीडियो मैंने एंड किया था, स्टार्ट कर दिया था और मैं उसी के आगे आज कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट सेल डिवीजन। मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, इसके लिए पहले पीछे आप जाके देखिए, जब तक सेल नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, तो साइंस सिस्टमैटिक है ना, तो उसी सिस्टम से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सेल डिवीजन वहाँ पे स्टार्ट किया था। सेल सेल क्या बताए थे कि सेल ही मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, फॉर दैट रिक्वायर सेल डिवीजन। उसके लिए क्या जरूरी होता है, सेल का डिवीजन जरूरत होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, वाई सेल डिवीजन रिक्वायर। मैंने उस क्लास में मैंने ये भी बताया था कि सेल डिवीजन जरूरत क्यों होता है। देखिए क्या होता है कि जब हमारा सेल है, पहली बात तो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि देखिए ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल है। जब सेल का डिवीजन नहीं होगा तो जानते हैं न्यूक्लियस सेंटर होता है, जैसे हमारे क्लास टीचर हमारे क्लास या क्लास के टीचर क्लास को कंट्रोल करते हैं, सेम वैसे ही हमारा न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर आपका सेल डिवाइड नहीं होगा तो न्यूक्लियस की जानते कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे एक बड़े क्लास में एक टीचर कितना कंट्रोल कर सकता है, नहीं कंट्रोल कर सकता ना, तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए डिवीजन जरूरत है। क्लास को दो पार्ट में बांट दो तो डिवीजन आसानी मतलब टीचर जल्द आसानी से कंट्रोल कर पाता है। सेम ऐसे हमारा जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सपोज दैट चलो ठीक है, हमारा सेल डिवीजन नहीं हुआ तो इसका जो एरिया है बढ़ता जाएगा, और जब एरिया बढ़ता जाएगा तो इसका कंट्रोल कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे तो ये है, सपोज दैट एक क्लास में दो टीचर कर देंगे तो इसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, जैसे दो न्यूक्लियस, तो इससे क्या होगा, हम इसका कंट्रोल पूरे सेल पे रहेगा सबसे ज्यादा, मतलब इसलिए सेल डिवीजन जरूरी होता है। दूसरी चीज जानते हैं, सेल डिवीजन से ही हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, ये सब सेल डिवीजन से ही होता है, ठीक है। तो अब हम इस क्लास में सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरा सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। अभी तक तो मतलब मैंने ये बताया कि सेल डिवीजन रिक्वायर क्यों है, ओके। तो नाउ वी आर कमिंग सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए देखिए, सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके क्या करते हैं, कई सेल बनाते हैं, ठीक। ये दो तरह के होते हैं, एक माइटोसिस दूसरा मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन कितने होते हैं, माइटोसिस, वैसे तो एक ए माइटोसिस होता है लेकिन वो चलिए माइटोसिस बताते हैं, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस, ठीक। देखिए माइटोसिस और मियोसिस, देखिए कभी भी सेल के डिवीजन में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है नाइन डिवाइडिंग, देखिए हमारा सेल डिवीजन कितने घंटे में होता है, 24, कितने होता है ह्यूमन का बता रहे हैं, ठीक है। सभी जीव में अलग अलग होता है, तो ह्यूमन को लेके मैं चल रही हूँ, ठीक है। 24 घंटे में होता है तो इसके दो फेज होते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज जब तैयारी होता है, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज, और दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज। देखिए नॉन डिवाइडिंग, जैसे शादी की तैयारी आप महीनों से करते हो और जिस दिन शादी हो जाता है वो उसका डिवाइडिंग फेज। तो जानते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज कितने टाइम लेता है, 24 आवर में 23 आवर आपका नॉन डिवाइडिंग और सिर्फ 1 आवर आपका डिवाइडिंग फेज, ठीक, डिवाइडिंग फेज। देखिए आपके नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या क्या होगा, देखिए हमारा डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, मैंने बताया कि जब स्पर्म और ओवा मिलाता है तो जाइगोट बनाता है, मैंने पिछले वीडियो आप इसके लिए जरूर देखेंगे तभी आगे का समझ में आएगा, ठीक है। तो जाइगोट बनाता, वही जाइगोट जब डिवाइड करेगा तभी तो एक ह्यूमन बींग का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए भी हमारे सेल का डिविजन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो नॉन डिवाइडिंग फेज इसमें क्या क्या होता है, जीवन, सपोज दैट या सेल है, ठीक, स्पर्म और ओवा से सेल बना है, जीवन एंड जी टू, ये स्टेज होते हैं। जानते हैं जीवन क्या होता है, ग्रोथ होता है, और एस में देखिए जीवन में क्या होता है आपका होगा प्रोटीन
मैंने लास्ट में लिखाया था इसलिए इसको जल्दी से पढ़ा रही हूँ। लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट वीडियो मैंने क्लियर किया था। फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, इसमें वो प्रोटीन बनने बनते हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन, आरईपी रिप्लिकेशन, समझ में आया। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, एस एस मतलब सिंथेसिस, एस मतलब क्या होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, ठीक, सिंथेसिस। एस फेज में जानते हैं क्या होता है, एस फेज में दो वर्क होता है, क्या होता है, दो चीजों की रिप्लिकेशन होती है, रिप्लिकेशन मतलब कॉपी तैयार होती है। देखिए इन न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका बनता है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, किसका रिप्लिकेशन, डीएनए। देखिए यहां पे प्रोटीन बना तभी यहां डीएनए रिप्लिकेशन होगा, इसीलिए अगर जीवन पहला पे जीवन है तो उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन के लिए क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक। यहां पे क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन, न्यूक्लियस देखिए तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, दूसरे फेज में ये आपके साइटोप्लाज्म में ये सब अभी तैयारी हो रहा है, ठीक है, शादी की समझ लीजिए तैयारी हो रही है। साइटोप्लाज्म में आपका क्या होता है, सेंट्रियोल की कॉपी तैयार किया जाता है। सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है, ओनली एनिमल, पीछे का वीडियो देखिए, एनिमल में ही पाया जाता है, प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। और जी टू फेज में देखिए, जब हम एक सेल से दो सेल बनाएंगे तो हमारी सारी चीजें दो दो होनी चाहिए, तभी तो दो सेल में जाएगा न्यूक्लियस हर चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक चीज यहाँ पे और बनता है आपके, इसमें बनता है क्या, सेल ऑर्गेनल्स की भी कॉपी तैयार होती है, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। बट एक्सेप्ट सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड छोड़ के, वो चैप्टर देखिए, वो वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर किया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्यों जानते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि इसका खुद का न्यूक्लियस, सिर्फ खुद का डीएनए होता है, सिर्फ आपके बॉडी में दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसमें खुद का इनका डीएनए पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड, ठीक। उसका जी टू फेज में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, किसका, ये जी टू में यहां बढ़ा देती हूँ, जी टू ये हो गया आपका जी टू, जी टू, जी वन एस, जी टू में क्या होता है, ट्यूबुलिन फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक, इन सब चीजों का बनता है। देखिए अब यहाँ पे तैयारी शुरू हो गया, ये हमारे 23 हावर्स ले लिए, बचा 1 hour, यहाँ क्या, इसको जो डिवाइडिंग फेज बोलेंगे, इसको डिवीजन फेज, ठीक, इसको डिवीजन फेज में, अब इसी एक घंटे में सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड कब होता है, इसी एक घंटे में, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस, अब वो वीडियो देखेंगे तभी क्लियर होगा, सच यही है, कैरियोकाइनेसिस, सॉरी काइनेसिस, ठीक। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक। देखिए कैरियोकाइनेसिस, जैसे ये आपका सेल है, सपोज दैट दिस इज सेल, ओके, जब ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और जब साइटोप्लाज्म ये डिवाइड होता है तो इसको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहते हैं। तो पहले क्या होगा, देखिए पहले जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो पहले ये सारी तैयारी हो जाएगी, तैयारी कर लो, फिर यहाँ पे एक घंटे, ओनली 1 hour में सारा डिवीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें दो स्टेज होता है, पहला न्यूक्लियस डिवीजन, दूसरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। अब न्यूक्लियस डिवीजन देखिए, आपके माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ये चीजें कॉमन है, मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखिए कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज सब में होता है, चाहे वो माइटोसिस हो, ये दो देखिए दोनों का मैं यहाँ पे सब चीजें कॉमन बता रही हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, फेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक, टेलोफेज, अभी मैं क्लियर करूंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, डोंट पैनिक, ओके। अब देखिए साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दो तरह से होता है, प्लांट में जो होता है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वहीं पे देखिएगा, प्लांट, इसके लिए पहले वो वीडियो देखिएगा, प्लांट में जो होता है
वो सेल प्लेट से होता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, प्लांट में सेल प्लेट, ठीक। और जो एनिमल में होता है, मैं अलग कर लिख रही हूँ, लेना ठीक। यहाँ पे एनिमल में किस में होता है, एनिमल में ये होता है फॉर्म, मतलब चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये दोनों के लिए कॉमन है, माइटोसिस और मियोसिस। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। देखिए माइटोसिस क्या होता है कि अपने जितना क्रोमोसोम्स उसके पेरेंट्स में रहता है उतना ही उसके बच्चों में आता है, ठीक है। और जो मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पेरेंट्स क्रोमोसोम्स का ही, जैसे इसमें 2n है तो इसके जो डॉटर होंगे इसमें भी 2n जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना उसमें है उतना इसमें भी है। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब बराबर, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, ओके, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये हाँ ये आपके डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल, डिप्लॉयड मतलब जिसमें 2x क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी खोज किसने की थी, प्लांट में और एनिमल में, ठीक है। प्लांट में आपके किसने किया था, आपके प्लांट में किया था स्ट्रासबर्गर, और एनिमल में फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और फ्लेमिंग ओके, तो ये इसके डिफरेंस देखिए, प्लांट याद करने का टी है, टी है, और फ्लेमिंग एम है, मैम ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आता है ऑप्शन में तो, ठीक। अब माइटोसिस के मैं स्टेज बताती हूँ, ठीक है, माइटोसिस के स्टेज। इसमें क्रोमोसोम जितना पेरेंट्स में रहता है उतना ही डॉटर में जाता है, ठीक है, और मियोसिस हाफ हो जाता है, ठीक है। तो माइटोसिस में भी फिर तैयारी होगी, क्या होगा, इंटरफेज होगा। इंटरफेज मैंने वही चीज जो बताया, इसमें मैंने कॉमन बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे। इसमें भी पहले जीवन मतलब ग्रोथ होगा, ठीक, एस मतलब क्या बनेगा आपका, रखते रहिए साथ में डीएनए और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल प्लांट में नहीं पाया जाता, एनिमल में पाया जाता और जी टू में, ठीक। तो ये तीन स्टेज हुए, ओके। उसके बाद माइटोसिस मतलब डिवीजन स्टेज, ये नॉन डिवीजन, इसमें डिवीजन नहीं होता, सिर्फ तैयारी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, वही प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, पीएमटी, पीमैट, ऐसे याद कर लीजिए, पीमैट, ओके, पीमैट। अब हम यहाँ पे पहला स्टेज याद करते हैं, प्रोफेज, ओके। देखिए लास्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्लियर आएगा, ठीक है। देखिए प्रोफेज में क्या होता है, सपोज मैं साथ में समझाती रहती हूँ और लिखती रहती हूँ, सपोज दिस इज योर सेल, ये सेल है, ठीक। प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें आपका देखिए ये सेल है, सेल के अंदर ये सपोज ये सेल है, मैंने सेल साइड साइड मान लिया, ये न्यूक्लियस में डायरेक्ट लेकर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर, लिख देती हूँ पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन डिसअपीयर मतलब हट जाना, ठीक है, खत्म होना, डिसअपीयर, अपीयर, डिस मतलब अपीयर मतलब हट जाना, ठीक, डिसअपीयर, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। मैंने बताया था, देखिए यहां पर मैं एक चीज क्लियर करी, मैंने क्या बताया था कि ऐसे ऐसे जब न्यूक्लियस में ढेर सारे क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं तो इसको क्रोमोसोम सॉरी क्रोमेटिन कहते हैं, और जब ये मोटे हो जाते हैं, ऐसे मोटे हो जाते हैं तो इसको क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम्स है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्रोमेटिन का फॉर्म क्रोमोसोम्स लेगा। तो अब क्या, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन सपोज दैट ये सेल है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए धीरे धीरे डिसअपीयर होगा, ऐसे ऐसे हटेगा, देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा, क्या डिसअपीयर हो जाता है, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, ओके। क्रोमोसोम्स सॉरी क्रोमेटिन किसमें फॉर्म हो जाता है, क्रोमेटिन
क्रोमैटिन कितना चला जाता है, क्रोमोसोम्स। देखे मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होता है उलझा हुआ धागा, वो किसमें मोटे धागे का फॉर्म ले लेता है, तभी तो आपके अभी दिखेगा कैसे कैसे जाएगा। तो क्रोमैटिन किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स। मैं उस चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर की हूँ। उसके बाद क्या होता है आपके जानते हैं, इसमें अब सेल ऑर्गेनल जैसे गॉल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का सब ये क्या हो गया, ये हट गया, तो क्या हो जाएगा, गॉल्जी बॉडी। जी भी लिख रहे हैं गॉल्जी बॉडी समझ जाइएगा, क्योंकि मैंने क्लियर लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर अपसेट, ये क्या करते हैं डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर डिसअपेयर। डिसअपेयर मतलब लिख लीजिए कि समाप्त होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, ठीक है, डिसअपेयर। एक चीज और मैंने क्या बताया था, सपोज दैट ये प्लांट सेल होगा, एनिमल सेल होगा, तो मैंने क्या बताया था, ये सेंट्रियोल होता है, दो तारक का हिंदी में बोलते हैं इसको, ये दोनों सेंट्रियोल दो बनाता ना, कहाँ बनाता था, जबकि तैयारी हो रही थी तो वहां दो सेंट्रियोल बनाता, ठीक है, तो ये सेंट्रियोल आने लगता है अपोजिट पोल में, ठीक, तो सेंट्रियोल कहाँ रहता है, और अपोजिट पोल में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि कोई भी क्लियर हो। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस लेके आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, जिससे ये इस तरह ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके चल, ये देखिए सपोज कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या कहा था पहले, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्रोमेटिन मैंने कहा था ये धागा, ये धागा क्या हो रहा, धीरे 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 क्रोमोसोम्स बन रहा है, जब ऐसे मोटा हो जाता है तो क्रोमोसोम्स बन जाता है, सारे ऑर्गेनल्स डिसअपेयर खत्म हो गए, अगर भाई ये सब रहेंगे तो कैसे होगा, ठीक, उसके लिए जगह चाहिए। ओके एंड सेंट्रियोल, देखिए ये सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल था ना मैंने बताया था, लेकिन किस में सेंट्रियोल हो गए, बार बार रटिए, सेंट्रियोल ओनली फाउंड इन प्लांट, देखिए सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने लगे, अब ये ऐसे ऐसे फाइबर बनाएंगे और ऐसे ऐसे आगे स्ट्रक्चर होगा। ओके अब हम आ जाते हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज, इतना क्लियर हुआ, मोटा धागा बन चुका है, अब आ जाते हैं मेटाफेज। मेटा मतलब मिडिल, बस कुछ नहीं करना है इसमें, ये सब तो डिसअपीयर हो चुका था, मैं लेके रही हूँ केंद्र, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या शुरू हुआ था बनना, ये आपका स्पेंडल फाइबर बन चुका, ये सपोज दैट आपका न्यूक्लियस है, मैं ऐसे समझाने के लिए मतलब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जा चुका है, अभी सारी चीजें सेल के अंदर ये न्यूक्लियस साइड था गया, अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये स्पेंडल फाइबर दोनों साइड स्पेंडल अपरेटस बना रही है, अब ये देखिए जो क्रोमोसोम्स था ये बीच में आ गया, क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स अरेंज इन मिडिल, देखिए ये मोटा सा क्रोमोसोम्स आपके बीच में अरेंज हो गया, क्या हो रहा है, बीच में अरेंज हो रहा है, ठीक, देखिए ऐसे फोर क्रोमोसोम्स थे, ये चारों ऐसे बीच में अरेंज हो गए, ये इसका मेटासेंट्रिक है, क्या है, मेटासेंट्रिक, ठीक, ये इसका मेटाफेज स्टेज है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आर क्रोमोसोम्स कम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे आ गए, इक्वेटर ये बीच में, ठीक, आर क्रोमोसोम्स कम ऑन इक्वेटर, हाँ क्रोमोसोम्स अटैच अटैच टू इक्वेटर, कहाँ इक्वेटर, क्लियर। अब इसमें देखिए एक चीज और, ये आपका जो क्रोमोसोम्स है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, उसको देख के कैसे हम किस स्टेज में, मेटाफेज, इसमें इसके नंबर काउंट कर सकते ना, इतना मोटा हो जाता है बीच में आ जाता है कि आप इसके, तो ये इसके मॉर्फोलॉजी के लिए और नंबर के लिए बहुत अच्छा स्टेज होता है, पूछा जाता है कि किस स्टेज में आप उसके मॉर्फोलॉजी और उसके नंबर को काउंट कर सकते हैं, तो हियर क्या क्या शो कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट, ठीक, मॉर्फो मॉर्फोलॉजी और नंबर लॉजी एंड नंबर, एनो मतलब नंबर, ठीक है, ये नंबर लिख रहा, ओके उसके बाद जानते हैं ये हो गया हमारा मेटाफेज, ये हमारा प्रोफेज, क्या है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, मेटाफेज, अब आ जाते हैं टेलोफेज पे, ठीक है, यहाँ पे टेलोफेज क्लियर करते हैं, यहाँ पे देखिए टेलोफेज,
टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, देखिए सॉरी टीलोफेज नहीं एनाफेज होगा, मैंने टीलो डाल दी हूँ क्योंकि एनाफेज होगा अभी, एनाफेज उसके बाद टीलोफेज। अभी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, सिर्फ आपके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसके बाद आपके किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा, ये देखिए शॉर्टेस्ट स्टेज है ये, वो मैं बाद में बताती हूँ उसको अलग से, ठीक। देखिए जो एनाफेज है इसमें क्या होते हैं कि जो मूव जो ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था कि बीच में ये सेंट्रोमियर से लगे होते हैं ना, ये सेंट्रोमियर है। तो अब क्या होगा, ये सेंट्रोमियर सपोज दैट ये सेंट्रोमियर ये है इसका, अब सेंट्रोमियर बीच से टूटने लगेंगे और ये अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल। देखिए कैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। ये है ठीक, और ये सपोज स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल अपरेटस, और बीच में मैं क्रोमोसोम्स बनाती हूँ, ठीक है। देखिए आप क्या करो, ये बीच से टूट रहा है, बीच से इसको क्या कर, सेंट्रोमियर, देखिए ये सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर है, और ये सेंट्रोमियर बीच से टूटने आते हैं और ये अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब इसके दो भाग हो गए, आधा क्रोमोसोम्स इस साइड और आधे इस साइड, देखिए ऐसे आधे इस साइड। तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल, ठीक, सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, और यहाँ पे सेंट्रोमियर धीरे धीरे टूटने लगता है, क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये यही है सेंट्रोमियर जो यहाँ पे लगा होता है क्रोमोसोम्स का ये बीच। तो क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिट मतलब टूटना लिख लेते हैं, टूटना ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक। सेंट्रोमियर लास्ट वीडियो देखिएगा तभी क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बनेगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोमियर टूट जाता है, ठीक है। देखिए एक चीज और, कि जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो प्रोफेज है, माइटोसिस में लॉन्गेस्ट स्टेज है, सबसे बड़ा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है, और सबसे शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो ये है, ये कौन सा फेज है, सबसे शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज, ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं किस पे, एना, उस पे आ जाते हैं आपके टेलोफेज पे, ठीक। टेलोफेज देखिए, जो टेलोफेज है आपका अपोजिट है, हाँ, टेलोफेज क्या है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, देखिए प्रोफेज में क्या हुआ था, ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक, और प्रोफेज में क्या हुआ था कि यहाँ पे धीरे 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ था ना, हट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे बनने लगेगा। तो क्या होगा, सारे ऑर्गेनल्स है, देखिए अपोजिट ऑफ प्रोफेज, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगा, क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगा, तो अपोजिट ऑफ प्रोफेज, और तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे, और वो जो चार क्रोमोसोम्स गए थे वो धीरे धीरे फिर क्रोमेटिन का फॉर्म ले लेंगे, फिर क्रोमेटिन का फॉर्म लेंगे, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन क्या होगा, रीअपेयर हो जाएगा ना, फिर से आ जाएगा ना,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रिपेयर, रिपेयरेंस हो जाएगा ना, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः आ जाएगा, गॉल्जी बॉडी पुनः आ जाएगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स पुनः आ जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, गॉल्जी बॉडी, ठीक, गॉल्जी बॉडी ईआर, यानी सारे सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, ओके। और ये आपका जो फिर से ये डिकंडेंस हो जाएगा, पहले ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम चेंज फिर से क्रोमैटिन, उल्टा हो जाएगा, सारा उल्टा लिखो, प्रोफेज का सारा उल्टा लिख लो, क्रोमोसोम फिर से किसमें चेंज होगा, एक धागे के रूप में, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक। देखिए ऐसे था पहले क्रोमोसोम और फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा, क्लियर, ये हो गया। अब हम जानते हैं ये चीज है, अब यहां से इसके बाद जानते हैं क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, यहीं पे मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि ये तो न्यूक्लियस, ये देखिए ये सेल में चल रहा है ना, ये सेल, अब ये बटेगा, ये तभी तो दो सेल होगा, तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब काइनेसिस, अगर ये प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट, और अगर क्या कहते हैं उसको, एनिमल सेल होगा, सेल प्लेट और सेल फर्म, सेल फर्म, ठीक। ये दो मेथड हो गया, ओके। अब यहां पे क्या होगा, दो न्यूक्लियर, दो सेल फॉर्म्ड हो गए। तो देखिए आप फोर, देखिए फोर न्यूक्लियस, जिसमें देखिए प्रोफेज में जितना आप लेके चले थे उतना ही न्यूक्लियर, मतलब ये न्यूक्लियर क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिन आगे आ जाता फोर, और देखिए यहाँ पे भी फोर, ठीक, यानी टू ईयर इक्वल फोर था अगर उसका पेरेंट्स, तो बच्चे में भी डॉटर भी टू ईयर इक्वल फोर, ठीक। तो इस समसूत्री विभाजन और विषम सूत्री, मतलब सॉरी अर्ध सूत्री विभाजन में यही अंतर है कि इसमें जो है क्रोमोसोम्स अब समसूत्री विभाजन में अपना जितना लेके जा उसमें रहता है पेरेंट्स में, उतना उसके डॉटर में जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं मियोसिस, ठीक, फिर हल्का सा डिफरेंस बता देंगे दोनों का, इससे ही क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर कमिंग मियोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको किसने दिया था, फॉर्मर एंड मुर्रे, ठीक, इसमें फॉर्मर एंड मुर्रे, ठीक, फॉर्मर और मुन्नर ने दिया था, ओके, फॉर्मर एंड मुर्रे, थोड़ा सा इसको, एंड मुर्रे, क्लियर। देखिए इसमें क्या होता है, मियोसिस में ये आपके जर्मिनल सेल में होता है, जैसे मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओबा, ठीक, ओबरी में, तो ये जर्मिनल सेल में होता है, पहली चीज किसमें होता है, जर्माइनल सेल में, ठीक, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओबा, ये सब बेसिक चीजें हैं, टेस्टिस एंड ओबा। देखिए ये OBA, ओबा होता है, मतलब ओबरी, OBA, ठीक। देखिए एक चीज और आपको बताते हैं कि जर्माइनल सेल में तो होता ही है, लेकिन ये टू मतलब डिप्लॉयड सेल में ही होगा, अगर जैसे हैप्लॉयड होगा तो आगे हैप्लॉयड कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें जितनी को जितना सेल रहता है अब पेरेंट्स में ही उतना जाता है, ठीक है। तो ये किसमें होता है, ये डिप्लॉयड सेल, ये डिप्लॉयड सेल में होता है। अब इसके भी वही कितने पार्ट में, वही सेम रफली बना लेते हैं, मियोसिस में इसमें भी तैयारी होगी और फिर डिवीजन होगा, तो वही नॉन डिवाइडिंग कौन कौन से फेज थे, इंटरफेज जिसको कहते हैं, आई फेज मतलब इंटरफेज स्टेज,
और इसमें डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज ठीक है। इसमें इंटरफेज में क्या होगा आपका, वही जी वन, इस बार बार इसलिए लिख रहा है जिससे आपको तैयार हो जाए, जी एस जी टू। इसमें क्या हुआ था, ग्रोथ हुआ था, इसमें सेंथेसिस में कॉपी हुई थी डबल, जैसे डीएनए की डबल कॉपी हुई थी और सेंट्रियल की, सेंट्रियल ओनली प्लांट एनिमल ठीक। और जी टू में भी कुछ प्रोटीन जैसे और कुछ आरएनए का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब बना था ठीक है। अमियोसिस सेकेंड में डिवाइडिंग फेज में दो होते हैं, डिवाइडिंग फेज में आपके कौन कौन से, मियोसिस। देखिए अब यहाँ पे मियोसिस में दो मियोसिस स्टेज होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड ठीक। देखिए जो मियोसिस, देखिए इसमें क्या होता है, एक बार इसका रफली फिगर बनाते हैं। जैसे हम लोग फोर से लिए हैं, टू एन इक्वल फोर ठीक। तो इसमें क्या होता है, पहले हाफ हो जाता है, कितना हो जाता है इसमें हाफ, और आगे फिर चल के इस दोनों से दो सेल बनता है। तो एक डॉटर, एक पेरेंट सेल से फोर डॉटर, वन पेरेंट सेल से कितना बनता है, वन पेरेंट सेल से फोर डॉटर बनता है ठीक है। फोर डॉटर एक चीज और यहाँ पे एक हमें और बताना है, कि क्या बताना था, चलिए बताते हैं, बीच में याद आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मियोसिस था, देखिए माइटोसिस था इक्वेशनल डिवीजन ठीक है, और उसमें वन रिप्लिकेशन था वन सेग्रीगेशन। बट इसमें बताती हूँ क्यों, इसमें एक बार रिप्लिकेशन हुआ था, मतलब एक बार कॉपी हुआ था, क्योंकि यहाँ एस स्टेज में कॉपी हुआ था ना डीएनए की, लेकिन सेग्रीगेशन सिर्फ एक ही बार हुआ था एनाफेज में, लेकिन यहाँ दो एनाफेज होगा, दो मियोसिस होगा। तो वही कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए यहाँ पे, वन रिप्लिकेशन मतलब रिप्लिकेशन मतलब कॉपी, बट टू टाइम सेग्रीगेशन, मैं बताऊंगी भी कैसे आपको क्लियर हो जाएगा, एंड टू टाइम सेग्रीगेशन, टाइम सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, मतलब बटना ठीक। जैसे मियोसिस फर्स्ट में एक बार सेग्रीगेशन होगा, मियोसिस सेकंड में, हम लोग एनाफेज में किए थे ना लास्ट में, देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सेग्रीगेशन हुआ था यहाँ पे, ये सेंट्रोमियर टूटा था, एक ही बार हुआ था ना, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड काफ हुआ था, लेकिन आपका जो माइटोसिस है उसमें दो बार सेग्रीगेशन होगा, मियोसिस फर्स्ट में एक बार एनाफेज में और मियोसिस सेकेंड में होगा ठीक है। देखिए मियोसिस फर्स्ट में भी चार स्टेज, प्रोफेज, टी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज ठीक। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड में भी प्रोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। देखिए अब इसके चार, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए ठीक है। देखिए मियोसिस में पहले इंटरफेज हुआ, डिवाइडिंग फेज में अभी हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं, मतलब अभी कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का डिवीजन, दो बार आता आए थे ना, एक केंद्रक का पहले, अभी केंद्रक का डिवीजन हो रहा। इसमें दो बार डिवीजन होगा, एक मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकेंड ओके। मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जैसा आपका माइटोसिस में था। इसमें मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड, और यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट होगा ओके। ये फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। देखिए अब इस प्रोफेज के चार पार्ट जो आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ही क्लियर करती हूँ, इसके फोर पार्ट ओके। क्या क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगेटीन ठीक। पहला है लेप्टोटीन, किसका, प्रोफेज का है, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ओके, पैकेटीन ओके,
डिप्लोटील एंड लास्ट डाइकाइनेसिस, क्या है लास्ट डाइकाइनेसिस, मैं अभी एक एक क्लियर करके डाइकाइनेसिस ठीक। तो ये चार स्टेज है इसके, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस ठीक। ये प्रूफ फेज फर्स्ट के हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट, फिर पढ़ेंगे सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज। देखिए जो आपका मियोसिस सेकेंड है एज लाइक माइटोसिस ठीक, कैसा है माइटोसिस की तरह है ओके। तो मैं पहले मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट लेती हूँ। मियोसिस फर्स्ट ठीक, प्रोफेज मैं पहला क्या ले रही हूँ, पहला मैं ले रही हूँ लेप्टोटीन ओके। क्या है पहला लेप्टोटीन, देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन, क्या हो रहा है देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमैटिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्रोमोसोम्स में ठीक, बता रहा है क्रोमोसोम्स में कैसे। और ये क्रोमोसोम्स जैसे सपोज दैट ये फर्स्ट का लेप्टोटीन है ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये कहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे जाके इसके न्यूक्लियस से एक फॉर्म में ये जो क्रोमैटिन है धीरे धीरे जो धागे हैं कहाँ से अटैच हो रहा है, एक न्यूक्लियस के एक सेंटर से एक पॉइंट से अटैच हो रहा है ठीक है। तो क्रोमैटिन अटैच 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 पॉइंट अटैच पॉइंट लाइक बुके, कैसे देखिए जैसे बुके होता है ऐसे बुके की तरह ये अटैच हो जाता है ठीक है, लाइक बुके अटैच ए पॉइंट लाइक बुके कर दी ओके ओके। तो ये लेप्टोटीन क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में चल क्रोमैटिन अटैच ए पॉइंट लाइक ए बुके ठीक ओके। अब आते हैं जाइगोटीन पे, ठीक है जाइगोटीन में क्या होता है, अब ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में चेंज हो गया ठीक है धीरे धीरे, इसमें क्या होता है जो जैसे सपोज दैट ये मैं बताती हूँ, अब दो जैसे फीमेल जैसे फादर का है मैं बताती हूँ आपके क्लियर, एक फादर का है और एक माँ का है ठीक है, मेल का है माँ बाप का ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग एक कॉम्प्लेक्स क्या बनाने लगते हैं, बाई बैलेंस बनाने लगते हैं ठीक है, क्या करते हैं बाई बैलेंस बनाने लगते हैं ठीक है। तो जैसे ये किए है और एक ये है होमोलोगस क्रोम, क्या करते हैं अटैच होने लगते हैं, क्या अटैच हो रहे हैं बाय द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ठीक। तो क्या लिखेंगे कि पेयरिंग हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसे ये एक फादर का है और एक मॉम का ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी पेयरिंग करने लगते हैं ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम,
हाफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, पेयरिंग होने लगता होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और देखिए ये फादर का मेल, जैसे यहाँ पे मैं फिगर से क्लियर कर रही हूँ, सपोज दैट ये क्रोमेटिन था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स में चेंज हुआ, और दूसरा जो हुआ सपोज दैट ये है, ठीक, दोनों में पेयरिंग होने लगती है, मतलब दोनों अटैच होने लगते, एक दूसरे से जुड़ने लगते। ठीक है, इसमें ऐसे बताती हूँ, ये सपोज दैट एक है क्रोमोसोम्स, ये दूसरा एक क्रोमोसोम से ये है, और दूसरा क्रोमोसोम्स मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। ठीक, ये ऐसे, तो इन दोनों के बीच में पेयरिंग होने लगी है। ठीक है, दोनों होमोलोगस, होमोलोगस मतलब सेम, जैसे जो माँ का जो जिस नंबर का क्रोमोसोम्स है, फादर का भी उसी नंबर का क्रोमोसोम, तो दोनों में पेयरिंग होने लगती है, ऐसे दूसरे में भी होने लगता है, दो होते हैं तो साथ में जाते हैं, ऐसे सेम दूसरे में भी होने लगता है पेयरिंग, ये ठीक। तो इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे सिनेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, ये है सिनेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स, एस एन टी। तो देखिए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाय द सिनेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स, बाय किससे, सिनेप्टो नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ओके, ये हो गया जाइगोटिन। ये क्या था, पहला क्या था कि क्रोमेटिन अटैच ए पॉइंट लाइक ए बुके। ठीक है, तो ये ऐसे बुके जैसा स्ट्रक्चर एक अटैच हो जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद दूसरे में क्या होता है, जाइगोटिन में पेयरिंग होता है। अब तीसरा आ जाता है पैकिटिन, ये जाइगोटिन, ये पहला है आपका पेप्टोटिन, दूसरा आपका जाइगोटिन, तीसरा आपका है पैकिटिन। पैकिटिन में क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, हाँ, रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे कैसे बच्चे में एक नया कैरेक्टर होता है बाय द किससे, बाय द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये सपोज मेल का है, ये मतलब फादर का है, और ये मदर का है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्सचेंज होगा, यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे या इसमें, तो ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसमें होगा, देखिए जैसे एक क्रोमोसोम्स का, जैसे ये क्रोमोसोम्स एक है, तो इसके ये चारों सिस्टर क्रोमेटिक कहलाएंगे, तो एक इसका देखिए, एक पापा का और एक मम्मा का, तो ये दोनों क्या होगा, नॉन सिस्टर ही, क्योंकि ये सिस्टर एक ही क्रोमोसोम्स का सिस्टर कहलाएगा, और जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे तो नॉन सिस्टर। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय मीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिक, क्योंकि इसका इससे हो रहा है, अब जब एक ही क्रोमोसोम्स के चारों क्रोमेटिड होते हैं तो सिस्टर बोले जाते हैं, होमोलोगस, और जब दूसरे का इसका इससे होगा तो नॉन सिस्टर। तो देखिए इसका इससे हो रहा है, इस वाले से इससे हो रहा है, तो चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, पैकेटिन में इतना है, और इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर पूछा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। देखिए इसमें सबका एक एक पॉइंट, ये पॉइंट इसका याद कर लीजिए बस इतना ही, ठीक है, और ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन में चेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर किस में पाया जाता है, इसका एक पॉइंट याद कर लीजिए, तो ऐसे ही सबका हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ये मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर समझा लिया, लेकिन यहाँ पे बना देते हैं अलग से फिगर, सपोज दैट ये है एक, और दूसरा मैं इसी से बना रही हूँ, बस इसको डार्क नहीं बना रही हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक, क्लियर। अब आ जाते हैं आपकी पैकेटीन के बाद आ जाता है डिप्लोटीन, ठीक, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, ओके। देखिए डिप्लोटीन में क्या होता है, डिजिलॉसन, देखिए जो ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था, देखिए जो मैं एक बार यहां से समझा देती हूँ आपको, ये देखिए आपके दो थे यहाँ पे, एक क्रोमोसोम ऐसे था, ये आपके क्रोमोसोम सपोज दैट ऐसे थे, एक सपोज दैट ऐसे कलरफुल था, या मैं दूसरा रेड कलर से बना देती, ठीक है, तो समझना ऐसे। देखिए एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम्स ये है, ठीक। अब इसके बीच में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था, यही था ना सिनेप्टोनोमल जो दोनों को जोड़ रहा था। अब जब दोनों ये जब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ऐसे होगा। देखिए ये सपोज दैट एक है, फादर का है, तो इसमें थोड़ा सा आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक, ये हो जाता है। और दूसरा जो बनेगा, और ये जो दूसरा बनेगा इसमें थोड़ा सा आएगा रेड वाला, ठीक ठीक। तो क्या हो रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यही से हमारे जो नेचर चेंज होता है, जो हम अपने पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्यों, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और इस तरह से जो नया बच्चा फॉर्म होगा उसमें ऐसे ही जीन रहेगा, थोड़ा सा उनका क्वालिटी, थोड़ा सा उनका क्वालिटी, ठीक है। तो इसीलिए चेंज होता आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजिलेशन। अब ये जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, SNC लिख दिए आप पीछे लिखा मैंने, तो ये धीरे धीरे हटने लगता है, तो क्या लिखेंगे, डिजिलेशन, डिजिलेशन मतलब घुलना, ऑफ SNC मतलब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, डिजिलेशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, ठीक, डिजिलेशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, डिजिलेशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स मतलब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ओपन होने लगता है, फुलने लगता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, फुलने, फुलने लिखने ना यहाँ पे, ठीक है, फुलने लगता है या ओपन होने लगता है, ओपन होने लगता है, ठीक है, ओपन मैं लिख दे रही हूँ, ओपन मतलब फुला समझ सकते हैं, मैं ओपन लिख दे रही हूँ, ओपन होने लगता है, ठीक, क्या होता है, ओपन होने लगता है और केजमेटा एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केजमेटा, फॉर्मेशन ऑफ केजमेटा, क्या होता है, केजमेटा का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब ये ओपन होगा तो क्रॉस एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे ऐसे, इसका ऐसे, इसमें इसका इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, ये क्रॉस लाइक, ठीक, लाइक क्रॉस एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा डायकाइनेसिस, ठीक है, अब धीरे धीरे हटने लगता है, जिस मैंने यहाँ पे हटा वो बता दिया आपको, ये सारे सेल के अंदर, मैं ऐसे सेल के अंदर कर दे रही हूँ, ठीक, डिप्लोटीन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस एक्स लाइक, अब ये क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन, धीरे धीरे ये हटने लगता है, केवल एक जगह से जुड़ा होता है, ठीक है, केजमेटा सिर्फ एक जगह से, जैसे ये देखिए टर्मिनलाइजेशन होगा, धीरे धीरे ओपन होगा तो टर्मिनलाइजेशन होगा, मतलब एक जगह से धीरे धीरे ओपन होने, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन, ठीक, क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है, ओके, धीरे धीरे मतलब
कैसे बताया, एक सिरे से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, ओके। और धीरे धीरे फिर वही चीज, प्रोफेज कंप्लीट हो रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने लगेगा, प्रोफेज वाली पूरा स्टेज, अभी प्रोफेज ही चल रहा है, तो अब क्या क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर मतलब हटेगा, गॉल्जी बॉडी, ईआर, ये सारी चीजें हटने लगती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये काफी मोटे हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। अब हम लोग पहुंच जाते हैं मेटाफेज में, ठीक। मेटाफेज फर्स्ट, अभी मियोसिस का प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज, मेटोफेज। अब ये क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे दोनों होमस बीच में एक जगह से जुड़े हुए हैं, देखिए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये देखिए जो बाई बैलेंट या टेट्रेट बने थे, लिखा है ये, यहाँ जानते हैं जब ये ऐसे जब बन जाते हैं तो इसको बाई बैलेंट या टेट्राड कहते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कहते हैं बाई वैलेंट वैलेंट, जब इस तरह से होता है, ठीक है, तो ऐसे जुड़ जाते हैं ये एंड टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक। देखिए अब ये, देखिए ये बाइवेलेंट टेट्राड ऐसे ऐसे जुड़े होंगे, आपके दो और जुड़े होंगे, ठीक है। अब ये सब क्या होंगे, मेटाफेज स्टेज में सब फिर से सेंट्रोमियर बन जाएगा, ये सब चीजें बनेगा, स्पेंडल फाइबर बनेगा, स्पेंडल फाइबर बनेगा, लेकिन यहाँ पे दो क्रोमोसोम, देखिए टर्मिनलाइजेशन क्या हो, टर्मिनलाइजेशन आप कह मेटा, लेकिन एक जगह से जुड़े होंगे। अब देखिए कैसे ये जुड़े होंगे, और दूसरा इसके साथ में दूसरा कौन सा बनाऊं, इसमें मिलेगा, चलिए मैं बनाती हूँ, ये दूसरा ऐसे लगा होता है, ठीक, ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, दो आपस में ऐसे जुड़े होंगे, ठीक डायरेक्ट ऐसे क्लियर करती हूँ, ठीक है। सपोज दैट दूसरा भी ऐसे जुड़ा होगा, अभी जुड़ा अभी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी है, क्रोमोसोम ये है आपका और दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक, ऐसे समझ लो जुड़े हैं, ठीक है। बाय दी कहाँ पे, स्पिंडल से, ठीक ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके न्यूक्लियस में। अब क्या होगा, मेटाफेज में क्या है, ये सेंटर में अरेंज हो गए, बाइवेलेंट कम, ये बाइवेलेंट है ना, ये बाइवेलेंट, इसको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, ये जो बने हुए हैं ये जो दोनों क्रोमोसोम्स, इसको बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक। बाइवेलेंट कम इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर पे आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वेटर पे है दोनों, अब देखिए अलग होंगे तो ये क्या अलग होंगे, कि ये ऐसा नहीं कि इसके चारों पार्ट, अभी सीधा एक क्रोमोसोम सीधा जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाता है मेटाफेज के बाद एनाफेज। देखिए अब मैंने बताया था दो बार सेग्रीगेशन होगा, अब पहला सेग्रीगेशन एना सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, एना फेज फर्स्ट, ठीक। देखिए एना फेज फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रही हूँ, कि अब देखिए नहीं दिखेगा, मैं यहां बना रही हूँ इनफ पेज का फिगर, ठीक, या नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, चलिए
इन अ फेज फर्स्ट, इन अ फेज फर्स्ट। देखिए ये है ना, अब क्या था यहाँ पे सीधे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपका सपोज दैट स्पिंडल फाइबर। अब देखिए डायरेक्ट पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाता है, एक इधर आ जाएगा, ठीक, दो इधर आ जाएगा और ऐसे अलग आ जाएगा। और वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो ये जान लीजिए, जैसे इसमें कुछ इसका पार्ट जो आता है, इसका पार्ट कैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ऐसे से यहाँ पे भी हुआ है। बड़ा क्लास हो जा रहा है, ठीक ये है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चार क्रोमोसोम्स लेके चले थे लेकिन यहाँ पे दो ही मिला, तो ये हाफ हो गया, जितना मियोसिस में कि पेरेंट सेल का हाफ हो जाता है, ठीक है। अब प्रोफेज एनाफेज सेकेंड फर्स्ट हुआ, फिर क्या होगा, टीलोफेज होगा। टीलोफेज में भी एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि हमारा जो स्पिंडल फाइबर क्या था, ये सब अलग हो गए थे, ठीक है। अब हम लोग टीलोफेज पे जाएंगे, अभी फर्स्ट ही चल रहा है, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक। एनाफेज फर्स्ट के बाद जैसे सिग्रीगेशन हो गया, अलगाव हो गया, लिख लेते हैं इसको सिग्रीगेशन। अब जैसे जो होमोलोग दोनों जुड़े थे ना, ये फादर का मदर का मदर का जुड़ा था, वो दोनों अलग हो गए ना, सिग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस या बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक ठीक ये लोग अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट फ्लोर एंड मूव तो अपोजिट पोल, ठीक। और एनाफेज ही है। अब उसके बाद एनाफेज के बाद क्या आता है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, सेम प्रोफेज का अपोजिट क्या क्या बनने लगेगा, सेंट्रोमियर, फिर से सारी चीजें आ जाएंगी। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि रिवर्स हो जाता है, किसका, प्रोफेज का, जो जो रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में आपका सारी चीजें डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन में चेंज हो गया, देखिए क्रोमोसोम से ना मोटा सा, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स चेंज, वही चीजें पूरा है, क्रोमेटिन मतलब धागे के रूप में, क्रोमेटिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब रीअपीयर मतलब फिर से पूरा आ जाएगा, ठीक है, वही चीजें होता है। और इस तरह से देखिए इसे साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ पे क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस मतलब काइनेसिस फर्स्ट होगा ना, पहला मियोसिस फर्स्ट चल रहा है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा और यहाँ पे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे दो ही क्रोमोसोम्स गए ना, एक क्रोमोसोम पहले क्या था कि बी से सेंट्रोमियर टूटा था तो माइटोसिस में चार उधर चले गए थे, इसके पार्ट चार इधर चले गए थे, अब ये बाइवेलेंट बना लिया था, होमोलोगस बनाया गया था, तो ये डायरेक्ट दो क्रोमोसोम इधर चले गए, दो क्रोमोसोम तो लेके चार चला था बना दो, तो क्या कहता है, इसमें अपने डॉटर सेल का हाफ ही होता है, अपने जैसे डॉटर सेल का वन फोर्थ ही आता है, मतलब हाफ ही आता है, ठीक है। अब इसी सेल का जब ये दो जो सेल बने हैं, इसी से आगे कंटिन्यू होगा मियोसिस सेकेंड, क्या कंटिन्यू होगा, मियोसिस सेकेंड, एक सेल को लेके मैं चल रही हूँ, मियोसिस सेकेंड मैं एक सेल को ले रही हूँ, ऐसे दोनों सेल का होगा। अब मियोसिस फर्स्ट में ये सेल आया, इसमें दो ही सेल हैं, ये सेम लाइक माइटोसिस होगा, सेम लाइक माइटोसिस। अब इसमें भी सेम वही चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, लिख देते हैं मियोसिस का प्रोफेज, प्रोफेज सेकेंड, एकदम माइटोसिस लाइक, लाइक बिल्कुल माइटोसिस। अब ये प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड में क्या हुआ था, ठीक, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये था ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर और धीरे 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 सारे ऑर्गेनल्स डिसअपीयर, यही सब चीजें थे ना, क्रोमेटिन क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिख लीजिए यही सब मत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब खत्म हो गया, क्रोमोसोम
अब ये क्रोमो देखिए क्रोमैटिन है ना, फिर से क्रोमोसोम्स में चेंज होगा, क्रोमैटिन चेंज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्रोमोसोम धीरे धीरे बनने लगा, ये क्रोमोसोम मोटा हो गया, आगे क्या होगा सेम लाइक माइटोसिस याद कर लीजिए ठीक। अब प्रोफेज के बाद क्या मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है इक्वेटर पे आएंगे। देखिए अब ये जो आपका ये मेटाफेज यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो सेल कहाँ पे आएंगे इक्वेटर बीच में आएंगे ना, स्पिंडल फाइबर बन जाएगा यहाँ पे, सेम प्रोफेज याद कर लीजिए, सॉरी प्रोफेज कह रहे हैं माइटोसिस, एकदम माइटोसिस को रिपीट करेंगे यहाँ। अब यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, देखिए अब यहाँ पे एक चीज आपको सीखना है, ये आपके क्रोमोसोम्स है, अब यहाँ से सेंट्रोमीटर देखिए, यहाँ से क्या था बाइब, देखिए दो जगह हमारा सेग्रीगेशन हुआ है, सेग्रीगेशन आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक बार हुआ, अब देखिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स ही डायरेक्ट अलग हो गए थे, अब यहाँ पे सेंट्रोमियर अलग होगा, यही डिफरेंस है मेन, कि हमने कहा था दो जगह, अब स्प्लिटिंग यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटेगा और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स टूटा था, पूरा क्रोमोसोम्स गया था, बस यहाँ पे लिख लीजिए स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और क्या होगा क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे ठीक है, क्या हो जाएगा क्रोमोसोम अलग हो जाएगा ठीक, सेग्रीगेशन ऑफ, सेग्री मतलब यहां लिख दीजिए अलगाव होता है, अलग सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड मतलब क्रोमैटिड ये हाफ पार्ट, इसको इसको क्रोमैटिड बोलते हैं ठीक है, क्रोमैटिड ये हमारा किस किसके बारे में लिख रहा है, एनाफेज के बारे में ठीक है, एनाफेज सेकंड के बारे में लिख रहा है, ये है एनाफेज सेकंड, एनाफेज, एनाफेज सेकंड ठीक, ये एनाफेज सेकंड हुआ। मेटाफेज में क्या लिखा है मैंने, मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाते हैं क्रोमोसोम, ना भी लिखे तो आप लोग माइटोसिस पूरा पढ़ लीजिए, इक्वेटर, इक्वेटर ठीक, एनाफेज में लिखा, एनाफेज का फिगर ये है, ये यहाँ पे देखिए अभी स्पिंडल फाइबर बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अभी तक क्या टूटा था, अभी तक सिर्फ क्रोमोसोम, देखिए एनाफेज फर्स्ट में देखिए मैंने कहा था रिप्लिकेशन वन टाइम्स होता है और सेग्रीगेशन टू टाइम, एनाफेज फर्स्ट में इन्होंने क्या किया था ये टूटा था, सीधे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही अलग हुआ था, लेकिन एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, अब ये आपका ये सेंट्रोमियर टूटा तो क्या होगा, यहाँ पे एक इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा ऐसे, और लास्ट में टू डॉटर सेल यहाँ से बना, और जो दूसरा वाला फिर सेम वही फॉलो करेगा, ये दो बना था ना सेम यही, तो दो यहाँ से बना और दो यहाँ से बनेगा, इस तरह चार सेल बनते हैं और फिर इसमें दो ही। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने देखिए अब माइटोसिस मियोसिस में हल्का सा डिफरेंस, माइटोसिस एंड मियोसिस, देखिए माइटोसिस में क्या था वन डॉट वन पेरेंट सेल से, इसमें चार सेल थे, तो जब ये डिवाइड हुए थे तो दोनों में चार ही आए थे ठीक, आप लोग देखेंगे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वन डॉटर सेल से आपके टू डॉटर सेल बने थे पहली चीज, दूसरी चीज जितना इसमें था इसका डीएनए उसमें उसके डॉटर सेल में भी आया था ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या हुआ था एक बार वन डॉटर सेल पहले चार है तो यहाँ पे हाफ आया था ऐसे आया, मियोसिस फर्स्ट फिर फर्स्ट से अब मियोसिस सेकेंड पे, फिर इससे दो बना और इससे बना, देखिए चार था दो ही बच्चा और फिर इससे भी दुना और एक पेरेंट सेल से फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है ठीक। इसमें एक और डिफरेंस, वन टाइम एक ही बार रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन आपके जब तैयारी हो रहा था तभी हुआ था ना आपके इंटरफेज में रिप्लिकेशन, एंड टू टाइम वन टाइम सेग्रीगेशन, सॉरी वन टाइम सेग्रीगेशन एक ही बार वन टाइम सेग्रीगेशन, और इसमें क्या हुआ
वन टाइम रेप्लिकेशन, टू टाइम सेग्रीगेशन। ठीक, ठीक है, ओके। ये मेन डिफरेंस है इसमें, और यही पे क्लास में आज फिनिश करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।